यस हेलो। क्या चाहिए आपको? इतनी बार बोला प्लीज मेरे को तंग मत करो, बार बार क्यों आ जाते हो आप? हाय गाइस, वेलकम टू आवर एयरबीएनबी इन मेक्सिको सिटी। एंड ये हमारा पूरा एयरबीएनबी है एंड ये दो क्लोज कर देते हैं। एंड सो दिस इज आवर लिविंग रूम। यहाँ पे सोफा बैठने का है, बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। इग्नोर आर बैग्स, हर जगह बैग्स ही बैग्स दिखेंगे। एंड ये एंट्रेंस है एंड यहाँ पे इनकी फोटो है हमारे होस्ट की। एंड मेरे को इतना अच्छा लगा ये इनका क्यूट सा आर ग्लास, सैंड ग्लास, सैंड आर ग्लास, सॉरी। सो ये हमारा बैग है, इग्नोर दैट। एंड ये किचन है, इसमें ये फ्रिज दिया हुआ है हमें, फ्रिज में जगह दे रखी है जो अंदर अभी फुल है। एंड ये स्टोव है, यहाँ पे यूटेंसिल्स हमें दे रखे हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इनके इंग्रेडिएंट जो भी यूज़ करना है, यहाँ पे ओवन है, वहाँ भी टोस्टर है बेक करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। एंड यहाँ पे धोने के लिए, हमने अभी धो के रखा है तो थोड़ा गंदा है। उस साइड वहाँ पे वॉशिंग मशीन है कपड़े धोने के लिए एंड हैंग करने के लिए। एंड वहाँ पर डस्टबिन भी है, तो अभी वहाँ पर पूरा भरा हुआ है इसलिए वो मैं नहीं दिखा रही हूँ, बहुत गंदा सा है। एंड यहाँ पे आप अपना प्रिपेयर कर सकते हैं, हम यहाँ पर खाना प्रिपेयर करते हैं एंड देन यहाँ पे हम बनाते हैं, यहाँ पे कुक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है तो ये प्रिपेयर करने के लिए। एंड वहाँ पे बैठे हैं तो आप बात कर सकते हो, तो इंट्रैक्शन के लिए बहुत सही है ये। एंड ये तो इनका क्यूट है बॉटल ओपनर, क्यूट। एंड इनका फ़ोन है नीचे बात करने के लिए कि कोई भी आता है गेस्ट तो यहाँ पे कॉल करके पूछते हैं। एंड ये इनका लिविंग रूम है जहाँ पर हम जनरली रात को हैंग आउट करते हैं, बात करते हैं, यहाँ पर हम ऊनो भी खेल लेते हैं, इनके ऊनो है। एंड ये हमारा बैग है एंड ये ट्रॉफीज़ है, यहाँ पर बहुत सारी ट्रॉफीज़ है, हमने ऑलमोस्ट खा ली है पूरी, इन्होंने फिर से भरना पड़ा हमें, इनको ट्रॉफीज़ का बहुत शौक है। एंड ये पता है इसमें सारी चिली वाली ट्रॉफीज़ है, ये भी चिली वाली है एंड ये भी सारी, इनके सारे ट्रॉफीज में चिली है, इनको चिली का कुछ ज़्यादा ही शौक है। एंड ये पेंटिंग है फ्रीदा खालो की एंड वो ही है। एंड इनको पेंटिंग का बहुत शौक है, आप देखोगे हर पूरे घर में इन्होंने पेंटिंग ही पेंटिंग सजा रखा है। जैसे इफ़ यू सी हियर, ये सारी पेंटिंग हमारी जो होस्ट है सारा उसके ब्रदर ने बनाई है खुद, मतलब बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड ये डेकोरेशन कितना क्यूट है, अभी गिराने वाली थी पर धागा नहीं गिरा, बच गई। एंड ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा था, दिस इज सो क्यूट, इनको स्कल का बहुत ही ज़्यादा शौक है। एंड ये हमारे होस्ट का रूम है जो वो जनरली यहाँ पे नहीं होता है क्योंकि सारा वो करती है फ्रॉम 9 टू 11। एंड उसके बाद इस साइड में अगर आप आओगे सो इस साइड में इनका ये डाइनिंग रूम है एंड यहाँ पर रिक काम करता है जनरली। एंड इसमें बहुत अच्छा चीज़ है, यहाँ पे पेंटिंग भी है, एक क्यूट सा शैंडेलियर है छोटा सा एंड ये पेंटिंग है बहुत अच्छी सी। इन लोगों ने एक्चुअली सारी पेंटिंग ना एक ही शॉप से ली है, तो आप देखोगे सबका आउटलुक सेम है, सेम फ्रेम सबका, सेम बेस एंड पेंटिंग बहुत अच्छी है, हर रूम में पेंटिंग है इनको। शायद इन लोगों ने यहाँ पर लंदन का स्टिकर चिपका रखा है, लंदन का गुजारी शॉप है। ये भी टेलीफोन बूथ, रेड टेलीफोन बूथ, आइकॉनिक लंदन का है। एंड इन्होंने इस पर अपने सारे विस्की, रम, पोर्ट का सारे ड्रिंक्स रखे हुए हैं एक्सेप्ट बियर। एंड उनका यहाँ पे ग्लासेस भी है, यहाँ पे कॉकटेल मेकर भी है, ड्रिंक्स का बहुत शौक है। एंड जब हम फर्स्ट टाइम आए थे रिक ने हमें यहाँ की लोकल मेक्सिकन एक रम है वो मेस्काल, वो हमें ऑफर किया था एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। एंड ये लोग एक्चुअली इसमें मतलब पानी या कुछ ऐसे मिक्स नहीं करते, उसको नीट पीते हैं एंड अपने उसमें शॉर्ट ग्लास में, तो वो दिया था एंड वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें आई थिंक 43% अल्कोहल था कॉन्सेंट्रेशन, सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी पर टेस्ट अच्छा था, वो एक्चुअली जल नहीं रहा था। तो वो ट्राई करना, यहाँ का फेमस रम है मेक्सिकन का, उनका लोकल स्पेशलिटी। एंड यहाँ पे सारे ड्रिंक्स है, हम यहाँ बहुत कुछ ट्राई कर चुके हैं, हम लोग एक्चुअली हर
हर ऑल्टरनेट नाइट आउट में हम ड्रिंक करते हैं। इनका एक और बहुत अच्छा ड्रिंक है जो मुझे बहुत पसंद आया, हम लोग को बहुत पसंद आया, बहुत ही अच्छा है। उसका नाम है मिचलिदास एंड वो बाहर भी मिलता है। उसे घर पे ही बनाकर हमें बहुत बार पिलाया है एंड बहुत अच्छा ड्रिंक है। उसका हम पूरा एक स्पेसिफिक वीडियो डाल देंगे, वो पक्का चेकआउट करना कैसे बनाते हैं। बहुत ईजी है, बस उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स यही मिलेगा। एक स्पेशलिटी है उसका, ब्लू नाम होता है, वो यही मिलता है मैक्सिकन में और वो बहुत अच्छा है। एंड वो लोग अपने बियर के साथ भी उसको लगा के पीते हैं। एंड ओ माय गॉड, पता नहीं कहाँ था, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड सो नेक्स्ट चलेंगे हम अपने रूम में जो मेन है यार। ओ एंड यार फिर मेरा नहीं किसा, तो मेरा पर सामान है उसको नहीं देखना। एंड ये हमारा रूम है, बहुत क्यूट सा रूम है। सो ये रूम है, इसमें इनका बैकग्राउंड वॉलपेपर बहुत अच्छा है एंड क्यूट सा बटरफ्लाई लगा रखा है, प्लस ड्रीम कैचर जो मुझे बहुत पसंद है। एंड इस पर लैम्प है दोनों साइड। एंड ये बेड है, क्वीन साइज बेड है, क्वीन साइज बेड है सॉरी। एंड ये वार्डरोब है जिसमें उनका सामान है। एंड इन्होंने टीवी भी दे रखा है एंड इसमें नेटफ्लिक्स यूट्यूब सब कुछ है। नेटफ्लिक्स इन्होंने खुद का लॉग इन करके देखा है, सो आप यूज़ कर सकते हो। हमने बहुत इसमें देखा है, कल ही हमने इसमें मनी हाइस्ट देखा है। एंड ये पार्ट है, यहाँ पे इनका साइड टेबल है, यहाँ पे आप सामान रख सकते हैं। एंड ये लैम्प है एंड प्लस ये विंडो छोटा सा जिसमें भी प्लेन जा रहा है तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही होगी, तो ये मैं बंद कर देती हूँ। एंड ये क्यूट सा चेयर है, यू कैन चिल हियर। मैंने अपना सामान रखा हुआ है यहाँ पर, अभी तक चिल नहीं किया, बट दैट्स इट। डू कमेंट कि कैसा लगा। एंड ये सबसे चीपेस्ट था मेक्सिको सिटी में, सो इसका सारा लिंक सारी डिटेल हम डाल देंगे, यू कैन बुक इट फ्रॉम देयर। एंड ये बहुत सेंटर में है मेक्सिको सिटी के एंड ये मेट्रो के भी बहुत पास है, इट्स लाइक 2 मिनट्स वॉकिंग फ्रॉम मेट्रो एंड ऑक्सो स्टोर से भी बहुत पास है। एंड ये इसका एक और चीज़ आप भूल गए सॉरी, इसका ये वॉशरूम है, सो मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा, बाहर से देख लो, ये वॉशरूम है, वो बाथ का एरिया है, ये टॉयलेट है। एंड ये बस लास्ट वॉशरूम था एंड दैट्स इट। एंड आपको बुक करना है तो यू कैन बुक थ्रू एयरबीएनबी, हमने जहाँ से बुक किया था। एंड ये सबसे चीपेस्ट था एयरबीएनबी में एंड सबसे क्यूट और पूरा सेंटर में है, क्योंकि मेट्रो से ओनली 2 मिनट्स वॉकिंग है, यहाँ पे 2 मेट्रो से पास है एंड सारे रेस्टोरेंट के पास है। यहाँ पर एक ऑक्सो स्टोर है, वहाँ से आप मतलब सामान परचेस कर सकते हो फॉर योर ब्रेकफास्ट एंड यू कैन डू योर रिचार्ज ओवर देयर। एंड यहाँ से आसपास वॉकिंग डिस्टेंस में स्ट्रीट फूड भी है एंड यहाँ पे पास में एक हमाइका मार्केट है, वहाँ से आप सारे वेजिटेबल्स या फिर आपको फ्लावर्स खरीदने वो खरीद सकते हो, सुवेनियर खरीदने वो खरीद सकते हो, मतलब बहुत बड़ा मार्केट है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बैंक भी यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में ही है सब कुछ। So, thank you, that's it and adios.